बेंगलुरु में स्थित NACIN यानी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स का नया कैंपस, जिसका हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्घाटन किया। ये इमारत विशेष है, यहाँ GST लागू करने और उसकी बारीकियाँ समझने के लिए युवा ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आते हैं और अब तक 18,000 युवा अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं। खास बात है कि इस इमारत में आने वाले अधिकारियों को महज टैक्सेशन से जुड़े पाठ ही नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि यहाँ पर्यावरण, स्वच्छता और ग्रीन एनर्जी उनके दिनचर्या का अहम हिस्सा होती है। दरअसल ये इमारत केंद्र सरकार की गृह चार योजना के आधार पर बनी है। इस कैंपस में दाखिल होते ही आपकी नजर पड़ेगी इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर, कुछ ऐसे पौधे जो मधुमेह, तनाव और अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इस इमारत के क्लासरूम और ऑफिसर्स के कमरे भी विशेष हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि दिन में कुदरती रोशनी का भरपूर इस्तेमाल हो और बिजली की जरूरत ही ना पड़े, और अगर बिजली इस्तेमाल भी होती है तो सिर्फ सोलर के जरिए तैयार की हुई बिजली। इतना ही नहीं, ये कैंपस अपनी तरफ से 160 किलोवाट बिजली आसपास की दूसरी इमारतों को भी उपलब्ध कराता है। वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, ये पानी को साफ करने के साथ ही वातावरण में हवा को भी शुद्ध करते हैं। यह है सॉयल बायोफिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, जो कुदरती प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करती है। इस कैंपस के किचन से निकलने वाला कचरा भी पौधों के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सेशन भले ही कठिन विषय है, लेकिन इस हरे भरे और मनभावन कैंपस में दुरह विषयों का गुण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेहतरीन माहौल है।